यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ। ये आग कैसे लगी और किस तरीके से आग लगी हुई है? देखिए, आग का कारण मालूम नहीं पड़ पा रहा है आग कैसे लगी है, लेकिन आग बहुत भयंकर लगी है। और दूसरी बात कहने की है और सोचने की है कि कार्य क्षेत्र इतना बड़ा नगर निगम का आता है, उसमें सिर्फ एक गाड़ी दमकल की होने के बावजूद इसमें कैसे किसी आपके पास दमकल की लगभग दो या तीन गाड़ियाँ आ चुकी। अभी अब जो गाड़ी आई है वो सिरसागंज से मंगाई गई है या टूंडला से मंगाई गई है? अपने फिरोजाबाद में कितनी गाड़ी थी अभी बताया? प्रशासन द्वारा बताया गया कि जो गाड़ी है वो सिरसागंज आग बुझाने गई, हम लोग को नहीं मालूम। लेकिन इतना बड़ा कार्य क्षेत्र जो अपना है नगर निगम का, उसमें इतनी गाड़ी कैसे, कहीं भी कहीं ऐसा हादसा हो जाता है तो कैसे काबू पा पाएंगे उस पर? अच्छा, ये क्या किस तरीके की दुकान है? क्या देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक की भी है प्लस फर्नीचर की भी है, इसमें सब ऐसा आइटम है बिल्कुल जो बचने वाला नहीं है। उस व्यापारी के दिल से पूछो उसको क्या गुजरेगी कि इतना बड़ा नुकसान उसको हुआ है। अच्छा, वो एक संस्था भी चलाते हैं, उसमें सामूहिक विवाह भी कराते हैं, दो दिन बाद सामूहिक विवाह है, उसमें सारा सामान बुकिंग वाला इनके पास है, अब वो शादियाँ कैसे होंगी? एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये जो आग लगी है वो यहाँ जो इस दुकान का मालिक है वो एक सामाजिक संस्था भी चलाते हैं जो शादी विवाह कराई जाती है। एक बार वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुँच चुके हैं, प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ है आग पर काबू पाने के लिए। लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और लगभग एक घंटे से अधिक होने के बाद आग पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है और दमकल की लगभग 5 गाड़ियाँ मौके पर आ चुकी हैं और ये नगर निगम का ट्रैक्टर भी ये देखिए ये आ चुका है और प्रशासन यहाँ तक कि जो पब्लिक देखिए दूर 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 तक ये रोड है पूरी तरीके। नमस्कार, मैं उर्शद अली, आप देख रहे हैं टीवी 100 न्यूज़। मैं मौजूद हूँ फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र साठपटे रोड पर। यहाँ फर्नीचर की दुकान कला महल के नाम से बनी है और जो उसके मालिक हैं वो दिलीप कुमार हैं। ये दुकान जो है उसमें भीषण आग लगी है, लगभग अभी दमकल की 9 गाड़ियाँ मौके पर आ चुकी हैं और पूरा प्रशासन ये तैयारियों पर लगा हुआ। आप देख सकते हैं जो दमकल की गाड़ियाँ लगातार आ जा रही हैं और मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछेंगे कि आखिरकार ये आग कैसे लगी। जो चश्मदीद है, कैसे लगी थी आपको? आपको पता कैसे लगी आग? कैसे लगी आग? कैसे लगी मालूम नहीं आ रहा। मैं मालूम नहीं है तो क्यों खड़े हुए आप? देखना खड़े हैं कैसे लगी पता क्या देगा इतनी देर में कि हमने घर छत पर लेटा, हमें धुएं महसूस हुआ जलने का, तो हमने आकर देखा ये आग लगी हुई है। फिलहाल यहाँ किसी भी तरीके की कोई अनहोनी देखने को नहीं मिली है। एक बार वो तस्वीरें मैं आपको और दिखा देता हूँ, जो कला महल जो बना हुआ फर्नीचर, और बताया जा रहा है इस दुकान का जो मालिक है वो एक समाज सेवी संस्था चलाता है जो सामूहिक विवाह कराती है, उसमें सारा फर्नीचर का सामान इसमें मौजूद था। ये दुकान है, ये पीछे तक पार बताई जा रही है, ऊपर की बिल्डिंग में भी अभी आग लगी हुई है। प्रशासन जो है पूरी तरीके से लगा हुआ, लगातार प्रशासन की निगरानी की जा रही है और दमकल की गाड़ियाँ आ रही हैं। एक बार वो तस्वीरें मैं आपको और दिखा देता हूँ आगे, ये देखिए अंदर फायर सर्विस के लोग भी मौजूद हैं और ये जो बेसमेंट है पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। ये देखिए एक बार मैं आपको और तस्वीर दिखा देता हूँ। भैया जरा सा पीछे रहिए, देखिए थाना रामगढ़ क्षेत्र में एक नगलावरी जगह है जहां पर दिलीप सनाफ कालीचरण प्रजापति, उनकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और फर्नीचर की दुकान थी, उसमें किन्हीं कारणों से आग लग गई थी। अब से करीब 1.5 घंटा पहले इसकी सूचना मिली, तत्काल यहां पर लोकल पुलिस पहुंची, कई थानों की फोर्स पहुंची और फायर की करीब एक दर्जन गाड़ियाँ पे आईं। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, जनहानि इसमें कोई नहीं है। आसपास के घरों को भी हम लोगों ने खाली करा लिया था एहतियातन, उसके बाद इस पर फायर बुझाने का काम हुआ। इसमें CFO और उनकी टीम लगातार इसमें काम कर रही है। घटना किन कारणों से हुई है, आग किन कारणों से लगी है, CFO के नेतृत्व में इसकी टीम जांच करके ही इसे बता पाएगी। फिलहाल अभी बचाव कार्य चल रहा है और मुझे लगता है कि बस कुछ ही क्षणों में पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया जाएगा। और अब तक 2 घंटे हो चुके, कितनी फायर ब्रिगेड मशीन आ चुकी है? मैंने पहले बताया लगभग 1 दर्जन गाड़ियां लगातार काम कर रही हैं। सर, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों पर लगातार लापरवाही के आरोप लगते हैं। आज भी जनता ने यह आरोप लगाया है कि यहाँ दमकल की गाड़ियां कम है, आसपास के क्षेत्रों से मंगाई जाती है, क्यों ना सर उसको सुधार किया जाए? देखिए ये जनता है, जनता देखिए किसी भी अगर कोई घटना घटती है तो जनता चाहती है कि उसे तत्काल राहत मिले, लेकिन फायर डिपार्टमेंट के सामने चुनौती ये रहती है कि देखिए अभी आपने सुना ही होगा कि सिरसागंज में एक बड़ी फायर की सूचना थी जहाँ पे हमारे जनपद की लगभग सभी गाड़ियाँ कार्य कर रही थी। जैसे यहाँ सूचना मिली कि अभी तत्काल उन्हें बुलाया गया और जनपद स्तर पर जो गाड़ी उपलब्ध थी वो तत्काल राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दी थी और मुझे नहीं लगता कि इसमें फायर के स्तर पर किसी भी तरह के कहते हैं। एक समय पूछ दो, क्या नाम है आपका? कौन सी जगह है ये?
चीज वो है 7 मीटर। अच्छा, यहाँ क्या हुआ, आग कहाँ लगी है? ये आग लगी है यहाँ कला महल में, और ये शोरूम, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, कूलर, टीवी सब कुछ। क्या स्थिति, आग किस स्तर पर लगी? अब स्थिति तेज लगी या क्या? तेज लगी थी आग। आप कहाँ रहते हैं? हम यही रहे बराबर में। अच्छा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई? नहीं आ गई। सिलेंडर भी फटा था क्या? सिलेंडर भी फटा, गाड़ी आई हुई थी बहुत तेज एकदम। ये पता नहीं लगा कैसे लगी थी, ये नहीं मालूम, सब सो गई थे ना। कला महल है, बहुत अच्छा सामान बिकता था, नीचे से हमने यहीं से खरीदे थे सामान। बड़ी दुकान है, पुरानी दुकान है? पुरानी दुकान है, शोरूम है। शोरूम है पूरा 7 फुटा। क्या नाम है आपका? सवाना। सवाना जी, कहाँ रहते हैं आप? ये 60 फुटा रोड। अच्छा, एक यहाँ आग लगी है, किस दुकान में लगी, क्या है पूरा? ये फर्नीचर का सामान होता है, नया सामान, फ्रिज वगैरह, यहाँ पर सोफे वगैरह सब चीज, नया सामान। तो पूरी दुकान में आग लगी है? पूरी दुकान में आग लगी है, उसमें सिलेंडर भी थी, सारे तीन सिलेंडर थे, वो भी बोले फट गए, फट गया, आवाज हुई है बहुत तेज। अच्छा, तो क्या स्थिति, अभी आग लगी हुई है, बुझ गई? लगी रही है, एक मशीन, वो एक पानी का टैंक बोलते, क्या बोलते, वो छोटा वाला, एक आई है वो छोटी वाली, उसे बुझी भी नहीं है आग, अभी लगी हुई है, अभी तो चल रही है आग। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? दो घर छोड़कर तीसरा घर है, इसमें आग लगी है, दो घर छोड़कर तीसरा आई है। ये नहीं पता चला कैसे आग लगी, कैसे लगी, रात 11:30 कैसे लगी है, कोई काम कह रहा है, सो गए थे।